हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 10 अप्रैल 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज वेरियस एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और आर एस शर्मा। इन सब के लिए कोर्सेज आप एमसीक्यू फॉर्मेट में देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल भी कर सकते हैं। इन टाइम ऑफ नीड बात हो रही है किस तरीके से जो है ज़रूरत के समय में इंडिया यूएस के प्रेशर में झुक गया है। हालांकि ड्रग जो है प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि हमको इसकी कभी जो है कमी महसूस नहीं होगी। ब्लैंकेट बैन हमने एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरिन पे लगा दिया था 4 अप्रैल को। हमने कहा था कि कोई भी छूट हम नहीं देंगे इस पे, कंप्लीट बैन है तो बैन है, चाहे कोई भी कंट्री मांगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी नहीं देंगे, किसी और ग्राउंड पे भी नहीं देंगे। हालांकि कुछ दिनों बाद हमने ये जो है पॉलिसी रिवर्स कर दी, क्योंकि ट्रंप ने वॉर्न कर दिया कि हम बदला लेंगे अगर आपने ये नहीं किया। तो हमने ऑर्डर दे दिया, अब ये ड्रग हमें भी चाहिए। इंडिया ने जो है सरकमस्टांसेस देखते हुए ये जो है पूरा जो बैन का जो हटा दिया, ये बैन हटा दिया, एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। यूएसए नहीं बल्कि जो ज़रूरतमंद कंट्रीज़ हैं उनको भी देना शुरू कर दिया, जो कि जैसे अपने आसपास पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मैसेज था ट्रंप को, वो ये था कि इंडिया वो सब कुछ करेगा ह्यूमैनिटी जो लड़ाई लड़ रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, उसकी हेल्प करने के लिए। और इसी सरकमस्टेंसेज में इसे देखना चाहिए। भारत को ग्लोबल साउथ का फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ। वो पता है दुनिया ग्लोबल नॉर्थ में बटी हुई है, ग्लोबल साउथ में बटी हुई है। ग्लोबल नॉर्थ में जो कंट्रीज आती हैं पोल्यूशन ज़्यादा करती है, ग्लोबल साउथ में कम पोल्यूशन करती हैं। सदियों से जो है वो ग्लोबल नॉर्थ करता आ रहा है, तो ग्लोबल साउथ का जो फार्मेसी है उसको कहा जाता है। आप देख लो ना, नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज़ है और साउथ में पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ इसको कहा जाता है। भारत का जो डिसीजन है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इंसानियत के वास्ते अपने पड़ोसी देशों को और उन देशों को जो कि इस पेंडेमिक से बुरी तरह जूझ रहे हैं। अब तक इंडिया और कंट्रीज़ पर डिपेंड रहता था कि टेस्ट सप्लाईज़ के लिए, हालांकि इसेंशियल मटेरियल्स के लिए भी और कंट्रीज़ पर डिपेंड रह सकता है अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो। लेकिन अगर इस तरीके से मदद करेंगे तो हमारी इमेज भी बढ़ेगी, साथ ही साथ यूएसए को अगर इस क्रूशियल समय में अगर सप्लाई हम करते हैं ड्रग, तो यूएसए से आने वाले समय में और भी चीज़ हम डिमांड कर सकते हैं। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की डिमांड वास्तव में बढ़ी क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जरूरी ट्रीटमेंट हो गया है, इम्यूनिटी से बढ़ती है। आईसीएमआर ने भी इसे अप्रूव कर दिया कि हाँ, कोविड-19 के लिए एक मददगार ड्रग साबित हो सकता है। दो दिन बाद तो जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया एक्सपोर्ट की, कि अभी एक्सपोर्ट इसका नहीं होगा। साथ ही साथ अब ये तो एक्सपोर्ट की बात है, दुकानों पर अगर बेचने लग जाएंगे तो देश के पास जो है ज़रूरतमंद जिनको ये ड्रग चाहिए खाली हो जाएगा। तो H1 शेड्यूल वाले ड्रग्स में इसको डाल दिया। अब H1 शेड्यूल वाले ड्रग्स वो होते हैं जो कि आसानी से काउंटर पे नहीं बिक सकते, आसानी से जो है लोग इसको मेडिकल जो दुकान वाले होते हैं वो इकट्ठा नहीं कर सकते, इनको बेच नहीं सकते। अभी शेड्यूल H1 ड्रग्स कौन से होते हैं और तरह तरह के जो शेड्यूल्स होते हैं जिनमें ड्रग्स आते हैं, उनके बारे में जानकारी मैंने विस्तार से टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में, मैं यूट्यूब चैनल के अपने वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ जानना। तो ज़रूरी है कि हम ये ड्रग्स कोविड-19 ही नहीं बल्कि जो आर्थराइटिस, मलेरिया और अदर कंडीशन से पीड़ित जो लोग हैं उनको भी अवेलेबल करवा सकें। इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है करीब 20 करोड़ 200 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट्स ऑफ 200 mg स्ट्रेंथ की हर महीने बनाने की है। 3 वेल एस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं हमारी जो ड्रग बनाती है। वे कह रहे हैं कि देखो, डिमांड तो इतनी है कि उसको पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी डिमांड जो है वो रहेगी और इसकी, लेकिन सप्लाई भी पूरी ही रहेगी, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कह दिया था कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ड्रग ज़रूरी है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन है जो एटलांटा में है, उसने कह दिया था कि अभी कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है कोविड-19 पे। तो कहने का मतलब अभी जो है उथल पुथल चल रही है, अभी कोई फिक्स नहीं है कि ड्रग अवेलेबल है कि नहीं है, ड्रग काम आएगा कि नहीं आएगा। तो रिसर्च अभी करनी बाकी है कि ये देखने के लिए कि ड्रग जो है कितना यहाँ पे वास्तव में फ़ायदेमंद है। विक्ट्री इन डिफीट, ये बात तो रही है। यूएसए में जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा था ट्रंप, जॉन बाइडन और बर्नी सैंडर्स के बीच में, हालांकि बर्नी सैंडर्स अब रेस से बाहर हो गए हैं, यानी इनको अब इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट और काफ़ी प्रो क्लाइमेट चेंज थे, इन्होंने अपनी लीगेसी छोड़ दी, इन्होंने अपने एक्टिविस्ट बना दिए। तो कहीं ना कहीं यूएसए को आगे जाके जो इनके एक्टिविस्ट है वो हेल्प ही करेंगे, तो कहा जा रहा है ऐसे तो ये हार गए लेकिन फिर भी इनकी जीत हो गई। हालांकि यूएसए का ये डोमेस्टिक मामला है तो इस पर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना,
इस आर्टिकल में बात हो रही है, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले देखेंगे अ डबल वेमी फॉर इंडिया गल्फ इकोनॉमिक टाइज। देखो गल्फ रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेल रहा है, पहले तो पेंडेमिक की वजह से और दूसरा ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं। ये सब मिला के जो है देखें तो इंडिया की वाइटल जो रिलेशन है गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जो कि 8 गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ इम्पैक्ट करेगा ही, साथ ही साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज किस तरीके से जो आगे होगी और मैनेज की जाएगी। ईरान की खास की बात करूँ तो ईरान पर तो केसेस बढ़ने अभी बाकी हैं, पीक पर जाना बाकी हैं, तब जाके कंट्रोल होएगा। पेंडिक में जो आया है गल्फ कंट्री में और पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया की बात करूँ तो एक तिहाई जो जनसंख्या है वो लॉकडाउन में बंद गई है, और अब का हाइड्रोकार्बन्स क्रूड ऑयल होए ऑयल इन सब का जो कंजप्शन है बिल्कुल कम हो गया है। गल्फ इकोनॉमीज को इससे ही फ़ायदा होता था, कोविड-19 की वजह से क्रूड ऑयल कंजप्शन भी कम हो गया है, साथ ही साथ प्राइसेस भी गिर गई हैं। ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है कि सप्लाई घटाएं बढ़ाएं। मैं पिछले कुछ आर्टिकल्स में आपको समझा चुका हूं कि क्या खेल है डिमांड सप्लाई का, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फिर मैं आपको बता दूं, जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड जो है अपने आप बढ़ जाती है, प्राइसेस भी बढ़ जाती है, लेकिन जो है यहाँ पे सप्लाई कम करने का पूरा जो डील है वो नहीं कर पा रहे थे सऊदी अरेबिया और रशिया मिलके। रशिया ओपेक प्लस कंट्री है, यानी नॉन ओपेक कंट्री है, ओपेक प्लस कंट्री को नॉन ओपेक कंट्री कहते हैं। रशिया कह रहा था कि हम सप्लाई कम कर देंगे तो यूएस आके जगह ले लेगा, हालांकि सप्लाई कम नहीं करेंगे तो प्राइसेस जो है वो और सस्ती हो जाएंगी, सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो प्राइसेस जो है वो और कम हो जाएगी, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है ना, इसलिए सप्लाई कम करना जरूरी था ताकि प्राइसेस भी बढ़ जाए और इन कंट्रीज़ को फ़ायदा हो, लेकिन आपस में डील कर नहीं सके, तेल की प्राइसेस गिरती चली गई, मार्केट थोड़ा रिकवर भी हुआ लेकिन इतना जो है रिकवर नहीं हुआ। ओपेक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो हेड्स हैं उन्होंने कहा कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी रेवेन्यू 50 to 85% तक गिर जाएंगे, जो कि ऑयल और गैस रेवेन्यू से जो रेवेन्यू आता है। बाकी मैं आपको फिल्म्स के लिए बता दूं, ओपेक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दोनों के हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ओपेक में 14 कंट्रीज़ है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में 171 कंट्रीज़ है, दोनों के हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ऑफकोर्स ऑयल के प्राइसेस गिरेंगी तो ऑयल से होने वाली कमाई भी गिरेगी, लेकिन अगर आपको इसमें लग रहा है कि तेल की प्राइसेस गिरती हैं और तेल की प्राइसेस गिरने से भारत को फ़ायदा होगा तो वो होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नुकसान भी है जो हमको देखना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया का फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिलेगा। अब अगर आप कह के ये कह सकते हो कि 2021 में भी अगर ये ग्रोथ हो जाएगी इनकी, इस साल तो फिर भी गिर जाएगी लेकिन ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो स्लो होगी, लेस एनर्जी इंटेंसिव होगी, यानी लोग घूमेंगे नहीं, ट्रैवलिंग करेंगे नहीं, तो क्रूड ऑयल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ लोग अब इन्वायरमेंट पर ध्यान देंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देंगे, तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल्स पे अब जो है ज़्यादा ट्रेड होगा, टूरिज्म और हॉस्पिटली सेक्टर पे अफेक्ट पड़ेगा, तो दुबई की इकोनॉमी जो है, दुबई कहाँ से पैसा कमाता है, ट्रैवलिंग से, टूरिज्म से, हॉस्पिटलिटी से, ये रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से जो है यहाँ पे जो एक्सपोज जो होते हैं, जो हज जो होता है, जो ट्रैवलिंग जो होती है, लोग रिलीजियस जो ट्रैवलिंग करते हैं वो सब रुक गई हैं। इंडिया की इकोनॉमिक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ों से टिके हुए हैं, पहला तो हम यहाँ पे जिस तरीके से इकोनॉमी बनाए रखते हैं, जो गल्फ ट्रेड है हमारा, व्यापार जो होता है, अब उसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर दो, चाहे भारत के जो है वो जो क्रूड जो गल्फ कंट्रीज हैं भारत में जो इन्वेस्ट कर रही हैं उनकी बात कर लो, जो ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक अगर सिंबोसिस की बात करूँ तो $162 बिलियन का 2018-19 का इंडिया गल्फ ट्रेड है, जो कि ग्लोबल ट्रेड का फिफ्थ है, इंडिया के ग्लोबल ट्रेड का फिफ्थ है, समझ रहे हो, 20% जो ट्रेड है इंडिया का वो गल्फ कंट्रीज़ के साथ होता है, ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे कितने आदमी उधर काम करते हैं, कहा जाता है करीब 90 लाख लोग उस पर काम करते हैं, जो और 90 लाख काम करते हैं, पैसे अपने घर में भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं, $40 बिलियन वापस घर आता है, रेमिटेंस आते हैं, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश कौन सा है, भारत, और 40 बिलियन तो अकेले गल्फ कंट्रीज से बात कर रहा हूँ मैं, 70-80 बिलियन भारत के पास आता है, करीब 60-70 मुझे डाटा पता नहीं है, एक बार देख लेना, उसमें बाकी यूएसए वगैरह से आता है, तो गल्फ कंट्रीज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। लेकिन अगर ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी कंपनियाँ जो है अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालेंगी, जिनमें भारत के भी लोग होंगे, सैलरी नहीं मिलेगी उनको तो घर लौट के आएंगे, यानी अपने देश में आएंगे, देश में जॉब मिलेगी नहीं, भारत से रेमिटेंस आएगा, बाहर से रेमिटेंस आएगा नहीं, तो ये दिक्कतें इंडिया को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया वैसे क्रूड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ऑयल प्राइसेस गिरती हैं तो हमारे करंट अकाउंट को फ़ायदा होगा, बिल इतना नहीं आएगा देश को, जो है आपको पता है कि $1 अगर प्राइसेस गिरती है क्रूड ऑयल की तो भारत को 10,000 करोड़ का फ़ायदा होता है, लेकिन इतना फ़ायदा हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे असर पड़ता है, और साथ ही साथ जो बाहर हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ ने अब इस
चीज़ को अपना लिया कि अगर हमारे ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो बाकी कंट्रीज जो सेलिब्रेट करती हैं उनको किस तरीके से जो है मज़ा चकाना है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि बर्डन वो जो है वो लास्ट पर्सन पर डाल देते हैं, यानी भारत अगर तेल की प्राइसेस कम होती है, भारत जो है कम प्राइसेस चुकाता है, गल्फ कंट्रीज़ को नुकसान झेलना पड़ता है, तो गल्फ कंट्रीज़ क्या सोचती हैं कि प्राइसेस कम ना हो, इसके लिए वो क्या करती हैं कि सैलरी कम कर देती हैं कंपनीज, टैक्स बढ़ा देती है, रिक्रूटमेंट कम कर देती है। तो भारत के जो लोग हैं जो विदेशों में गल्फ कंट्री में काम करते थे वो रुक जाते हैं। तो एक तरफ से तो हमको पेट्रोल का कम पैसा चुकाना पड़ रहा है लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। तो गल्फ कंट्रीज़ ने ये टेक्निक अपनाना सीख ली, अब किस तरीके से जो है हमको गेम खेलना है। इसी तरीके से जो है पेंडेमिक का असर गल्फ कंट्रीज़ ही नहीं बाकी एशियन जो पीपल है जो गल्फ कंट्रीज़ पर रहते हैं उन पर भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ वहाँ पे लोग काफ़ी डेंसिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी असर पड़ेगा। अब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो दिक्कत होगी, तो ये वाली चीज़ें हैं सारी। इसके लिए हमको नए रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे, नए रिश्ते मतलब नए डील्स करनी पड़ेगी। तेल तो खैर है ही और तेल तो अब जो है इतना इम्पोर्टेंट रहा भी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमको फार्मास्यूटिकल ट्रैवलिंग इन सब में मिलकर गल्फ कंट्रीज के साथ डील करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस अब जो है स्टेबल होने के चांसेस काफ़ी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको डील करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एरिया हमको बनाना पड़ेगा, इंडिया गल्फ इकोनॉमिक टाइज को हमको इसी तरीके से बचाना होगा। ऊपर वाला जो आर्टिकल है वो बात हो रहा है किस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो ये वही है चीज़ें हैं जो अब तक अपना आर्टिकल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में नहीं करना और एक्सपेंडिचर किस तरीके से बढ़ाते रहना है। ये चीज़ें हम जो है पढ़ चुके हैं कई आर्टिकल्स में। फाइंडिंग स्केप गोट इन WHO, अच्छा ये अच्छा आर्टिकल, लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको बता दूं COVID-19 अफेक्ट द कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जहाँ से पढ़ना जरूरी है मैं आपको बता दूं। राइटर कह रहे हैं, इंटरव्यू जिनका लिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी जो है रिट्रीट में था, डीग्लोबलाइजेशन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन पीछे खिसक रहा था क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2009 में आया था उससे अब तक जो है ग्रोथ रिकवर नहीं हुई थी, पहले तो 10% ग्रोथ थी, अब 1-2% तक चलती थी। ट्रेड वार आ गया, USA ने ट्रंप में जब आए ट्रंप ने ट्रेड वार शुरू कर दिया, ग्लोबल ट्रेड रुक रहा था, फिर ये पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक की वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हर कंट्री को फेस करनी पड़ रही है। मेडिकल सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही तो लोग सोचते थे अब तक हम जो कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम किए उसका मतलब क्या, मेडिकल सप्लाई अगर हमको नहीं मिल रही तो इतने रिश्ते बनाए उसका क्या, ग्लोबलाइजेशन किया इतना क्या, ट्रैवलिंग जो की फॉरेन विजिट जो की उसका क्या हुआ। तो कंट्रीज़ अब क्या करेंगी, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन फेस करेगी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, आप जो बाहर से चीज़ मंगा रहे हो अगर आप उसको घर में बना सकते हो तो घर में बनाओ, डिपेंडेंस कम हो जाएगी, सॉवरेनिटी बढ़ जाएगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो जाएगी उनसे। जैसे हमने USA से प्रेशर में आके हमने कम कर दिया, या जब चाइना से प्रेशर में आके कुछ चीज़ें जो हैं हम नहीं कर पाते, रशिया के प्रेशर में आके हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी डिपेंडेंस है उन पे किसी ना किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं हमको अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अब देखना पड़ेगा। हालांकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम करते आ रहे थे 1991 तक, लेकिन 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उनमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने हटा दिया था। एक बुरा ये स्कीम बन गई थी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन गलत है, लेकिन अब ये आ सकता है। चाइना का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा, चाइना की फैक्ट्री शुरू हो चुकी हैं, चाइना में हालांकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि किसी ना किसी तरीके से जो है पूरी दुनिया को COVID-19 पे झेलते रही, वो 2 महीने तक पूरी कंट्री झेलते रहे, सारी देश सारी दुनिया मिलके, और चाइना जो है फटाफट रिकवर हो जाए और ग्लोबल जो है अपनी डिपेंडेंट ग्लोबल जो अपनी पावर बढ़ा ले। देखा गया था 2009 के क्राइसिस में भी और 9/11 के क्राइसिस में भी, जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो चाइना अपनी पावर बढ़ा लेता है। लेबर की बात करूँ तो कई देशों में जो है अब जॉब्स को लेकर सिक्योर हो जाएंगी कंट्रीज, जैसे USA अब ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेगा देश में आने में, हालांकि जिन लोगों के पास स्किल है उनको तो अलाउ करना ही पड़ेगा। तो भारत जैसे देशों को अब थोड़े तैयार रहना पड़ेगा कि जो लोग अब विदेशों में काम नहीं कर सकते, जिनको नहीं लिया जा रहा, उनको कैसे देश में ही जॉब दिया जाए। WTO के रोल की बात करें, WTO की अगर बात करें तो WTO देखो ऐसा है कि WTO के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कोई भी कंट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। भारत अगर सब्सिडी देता है किसी भी इंडस्ट्री को, जैसे एग्रीकल्चर को, किसानों को सब्सिडी देता है, तो किसान जो है कम दाम में अगर कोई चीज़ बना लेते हैं, बाहर विदेशों में बेचते हैं उसको कम दाम में, तो और कंट्रीज़ का जो सामान है बिक नहीं पाता। जैसे इंडिया अगर USA में कम दाम में सामान बेचेगा तो चाइना का सामान USA में नहीं बेच पाएगा, और USA के खुद प्रोड्यूसर USA के सिटीजन्स को नहीं बेच पाएंगे,
मतलब WTO के रूल्स हैं कि किसी चीज़ पे आप ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। हाल ही में COVID-19 जब क्राइसिस आया, भारत ने WTO को कहा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी जो 10% आपने हमारे लिए रख रखी थी उसको हमने क्रॉस कर दिया। WTO क्या कहे बेचारा, COVID-19 है, जरूरत के समय में हमको ये सब करनी पड़ेगी, सब्सिडी हमको क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले समय में अब ऐसे ही होगा, जो कंट्रीज़ हैं अब वो सब्सिडी पे सब्सिडी देती जाएंगी, वो पेंडेमिक का हवाला देती जाएंगी और WTO के रूल जो है नाकाम हो जाएंगे। तो WTO को खुद को भी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो मल्टीलेटरल ट्रेड्स में झटका आएगा। भारत तो वैसे भी RCEP ज्वाइन वगैरह नहीं किया था, BRI ज्वाइन नहीं किया, कई जो ट्रेड एग्रीमेंट्स उनसे दूर हो रहा था, तो और भी दूर होता चला जाएगा। हालांकि अब ये सब होने के बाद जो है कंट्रीज़ अब इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करेगी, क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्ट करेगी और रिन्यूएबल एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि गैप जो निकल के आया है भाई, किस तरीके से जो कंट्री रिकवर की है फटाफट, वो डिपेंड करता है क्योंकि हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है। नुकसान सबको हुआ है जिनका हेल्थ सेक्टर मजबूत है, लेकिन रिकवर करने की रेट डिपेंड करेगी कितना अच्छा हेल्थ सेक्टर है। तो गैप्स जो हैं वो बिट जाएंगे अगर सरकार यहाँ पे पैसा लगाती है तो अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, देखना पड़ेगा किस तरीके से काम होता है। WHO पे जो है सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आरोप लगाया। आरोप लगाने से पहले सबसे पहले तो जब ये वायरस निकल के आया तो उन्होंने चाइना को कहा कि ये चाइना वायरस है। फिर उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनके जो अपोजिट पार्टी के जो लीडर्स हैं डेमोक्रेट्स, वही ये जो है डर फैला रहे हैं। चाइना पे ब्लेम किया उन्होंने, फिर चाइना से WHO पे आ गए, कहा कि WHO ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। WHO ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने बॉर्डर बंद ना करें, चाइना के साथ व्यापार चालू रखें, इतना भी खतरनाक वायरस ये है नहीं। तो ट्रंप ने ट्वीट किया कि WHO ने हमको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी, WHO ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इस वजह से हमने चाइना के साथ ट्रेड चालू रखे, हम बॉर्डर को हमने बंद नहीं किया, इस वजह से वायरस ये फैल गए। कोई शक नहीं है कि चाइना ने जो है अपने इस वायरस को कुछ दिनों तक छुपाया, स्प्रेड जब हुआ तो बताया नहीं, और जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ उसके बावजूद भी कुछ दिनों में बताया। बीजिंग ने ये केवल जनवरी 20 को सबके सामने कंफर्म किया। सारी कंट्रीज, सारी सिटीज़ जब वुहान जो थी और जो सिटीज़ थी वो चाइना ने शट कर दी। 50 करोड़ लोग अंदर रह गए, 5 करोड़ लोग अंदर रह गए उसके वुहान के अंदर, 50 लाख लोग बाहर निकल चुके थे, उनका क्या करेंगे, वो दुनिया भर में फैल गए। थाईलैंड, जापान, USA, इंडिया, इटली, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, इन सब में फैल फैल के इन्होंने वायरस फैला दिया। दो दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि हमने इसको कंट्रोल में कर लिया है, ये चाइना से जो है एक आदमी आया था, अब उसको कंट्रोल में हमने कर लिया। धीरे धीरे ट्रंप ने चाइना को जो है तारीफ़ करनी भी शुरू कर दी कि चाइना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसने बहुत अच्छे से जो है इसको कंट्रोल में कर लिया है। चाइना जो है वो ट्रांसपेरेंसी अब दिखा रहा है। USA ने इस चीज़ को तारीफ़ की चाइना की, शुरू में तो चाइना की तारीफ़ कर दी ट्रंप ने, उसके बावजूद भी रिस्क जो है बढ़ता चला गया। USA की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सतर्क कर दिया USA को कि बॉर्डर क्लोज कर दो, फॉरेन विजिटर्स के लिए बॉर्डर क्लोज कर दो। लेकिन धीरे 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 जब वायरस बढ़ता चला गया, USA कहता चला गया, 3000 केसेस हो गए उसके बावजूद भी, कि ट्रमेंडस कंट्रोल हमारा इस वायरस पे है, हमने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया, जकड़ लिया। WHO की एक गलती आप ये कह सकते हो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसने घोषित नहीं किया था इस डिसीज़ को पहली मीटिंग जब हुई थी, और पेंडेमिक को इस डिसीज़ को एपेडमिक से पेंडेमिक बनाने के लिए भी इसने काफ़ी समय लगा दिया। लेकिन शुरू से ही ग्लोबल बॉडी सारे कंट्रीज़ को हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी, अर्ज कर रही थी, भैया टेस्टिंग करो, ट्रेसिंग करो, क्वारंटाइन करो। ट्रंप ने यहाँ पे खुद को तारीफ़ की कि देखो USA वालों, हमने WHO की एडवाइस इग्नोर कर दी, WHO ने हमको बोला था कि चाइना के साथ बॉर्डर ओपन करके रखो, क्लोज मत करो, डर की ज़रूरत नहीं है, हमने बंद कर दिया, तो देखो मैंने कितनी सतर्कता बताई। लेकिन सच बात तो ये है कि ये जो बॉर्डर शट करना है ये कानूनों के खिलाफ जाता है। कौन से कानून, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, कब अडॉप्ट किए गए, 58th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन May 2005। ये कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें डिसीज़ फैलती रहे तो यहाँ पे आप उसको रोकने की कोशिश तो करो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैफिक और ट्रेड में इंटरफेरेंस मत डालो। USA बॉर्डर क्लोज कर देगा तो ट्रेड रुक जाएगा, ट्रैफिक रुक जाएगा, लोग आने जाने बंद हो जाएंगे। तो WHO ने ये पहले भी H1N1 वायरस में कहा था, इबोला में भी कहा था, जीका में भी कहा था, जब इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। इन्होंने हमेशा से ये WHO ने कहता आया है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन कम्युनिटीज़ पे या कंट्रीज़ पे नहीं होना चाहिए। तो COVID-19 पे भी इसने वही किया जो अब तक करता आया है, इसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो WHO ने, आप कह सकते हो कि WHO ने जो है चाइना को
ट्रांसपेरेंट करने के लिए मजबूर नहीं किया, चाइना पे प्रेशर नहीं डाला कि चाइना शुरू से ही सारे नंबर बताए, ना चाइना पे इल्ज़ाम लगाया, चाइना को क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया, चाइना की तारीफ भी की इन्होंने कई बार, साइलेंस इन्होंने अपनाई। जैसे जैसे डेथ बढ़ते गए, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बढ़ गया। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, WHO एक एडवाइजरी बॉडी है, चाइना पे प्रेशर वो कैसे डाल सकता है? रेगुलेटरी बॉडी है ना WTO की जगह कि भाई वो कानून वगैरह बना दे, WHO एडवाइस करता है। तो यहाँ पे चाइना जैसी कंट्रीज़ की गलती के लिए WHO को ब्लेम करना गलत है। चाइना ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई इसलिए चाइना को ब्लेम करो, ट्रंप को चाइना को ब्लेम करना चाहिए। अब WHO से हटके चाइना पे आना चाहिए और चाइना को तो जो है यहाँ पे आइसोलेट भी करना चाहिए, ट्रंप को और बाकी कंट्रीज को मिलके ये सब कुछ करना चाहिए। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आएगा। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।